जैसे जैसे महीना करीब आ रहा है, बड़े थोक व्यापारी वाशी बाजार से प्याज खरीदने में अनिच्छा दिखा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से मुंबई में प्याज की आपूर्ति में गिरावट आई है, इसलिए वर्तमान में बाजार में प्याज की खुदरा कीमत 50 से 55 रुपए प्रति किलो है। व्यापारियों का कहना है कि प्याज की कीमतें सप्ताह भर ऐसी ही समान बनी रहेंगी। व्यापारी प्याज खरीदने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये महीने का अंत है। पिछले एक पखवाड़े में प्याज की कम आवक और अधिक कीमतों के कारण अब तक प्याज के 70 कंटेनर आयात किए जा चुके हैं। इनमें ईरान और तुर्की के प्याज शामिल हैं। इस बीच सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए वाशी बाजार में नेफेड से प्याज जारी करने का फैसला किया है। हालांकि कहा जाता है कि कुछ व्यापारियों ने लाभ के लिए विदेशों से प्याज भी मंगवाया था। तुर्की से प्याज के 25 टन कंटेनर के भी ऑर्डर दिया गया था। थोक बाजार में फिलहाल अभी इसकी कीमत 15 रुपए से 2100 रुपए प्रति किलो चल रही है। कुछ दिन पहले ही ईरान से वाशी बाजार में 480 टन प्याज का आयात किया गया था। वहां से 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, इसलिए कुछ अन्य व्यापारियों ने बाद में तुर्की से सस्ती दरों पर प्याज का आयात किया। व्यापारियों का अनुमान है कि खुदरा कीमतों में एक हफ्ते तक बढ़ोतरी जारी रहेगी, क्योंकि घरेलू और विदेशी प्याज की कीमतें भी बढ़ रही हैं। फिलहाल प्रदेश में विदेशी प्याज के साथ प्याज का आयात हो रहा है, लेकिन महीने के अंत में व्यापारियों से प्याज की खरीद बंद हो गई है। अगले सप्ताह नए महीने में खरीदारी शुरू होने पर प्याज की दरें कुछ कम हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।